जय हिंद साथियों। साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स नंबर 2 कंटेम्पोरेरी इंडिया और एजुकेशन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। साथियों आज का क्वेश्चन है, समान स्कूली प्रणाली क्या है, यानी कि समान स्कूली प्रणाली किसको कहेंगे, इस प्रणाली को लागू करने के मार्ग में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं और इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो एक तो आपका क्वेश्चन था, चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर समान स्कूली प्रणाली क्या है और इस प्रणाली को लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और उस चुनौतियों को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। समाज में जातिगत वर्गीकरण के साथ साथ एक नया वर्गीकरण उभर रहा है, यानी कि जातिगत वर्गीकरण तो ही है कि हम ये जात के हैं, तुम वह जात के हो, अगला उस जात का है, इस जात का है, तो जाति के आधार पर तो बोल सकते हैं वर्गीकरण है ही है, एक नया वर्गीकरण भी उभर रहा है। निम्न जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए सरकारी विद्यालय, निम्न विद्या मध्य वर्गियों के लिए निम्न स्तरीय निजी स्कूल, उच्च मध्यवर्गीय के लिए उच्च स्तरीय और संपन्न लोगों के लिए वातानुकूलित विद्यालय। यानी बोल रहा है कि एक जाति अलग अलग से तो हम लोग उभर ही रहे हैं, उसके अलावा एक और बात से हम लोग जूझ रहे हैं कि जो निम्न गरीब पिछड़े लोग आते हैं उनके लिए सरकारी विद्यालय रखा गया और जो निम्न मध्यवर्गीय में आते हैं उनके लिए एक निम्न स्तर का, यानी कि उनके लिए प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल का मैंने, यानी कि सबसे पहला जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको तो सरकारी विद्यालय मिलता है और जो एकदम निम्न मध्य वर्ग के हैं तो उनको, यानी कि थोड़ा सा कम में है ताकि वो प्राइवेट में पढ़ा सके, तो प्राइवेट स्कूल उनके लिए है, और थोड़ा सा उनसे ज़्यादा है तो वो हाई फाई स्कूल वाले में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो सुखी संपन्न लोग हैं वो वातानुकूलित का मतलब ऐसा विद्यालय जहाँ उसको सब कुछ सुख सुविधा उपलब्ध है, यानी कि वातानुकूलित विद्यालय उसके लिए उपलब्ध है। तो ये एक तरह का अलग वर्गीकरण उभर रहा है। सरकारी विद्यालय के श्रेणी में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय भी आते हैं। अब सरकारी विद्यालय में कौन कौन आता है, तो नवोदय विद्यालय सरकारी में आ गया, सैनिक स्कूल, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये सब सरकारी विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, पर वो सबों के लिए नहीं उपलब्ध है। पर अब इसमें जिसका एडमिशन होता है, इसमें अच्छे जो सुखी संपन्न व्यक्ति है वही लोग अपना बच्चों को एडमिशन करा देते हैं, यानी कि वे सबों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। एक बच्चा जो गरीब घर में पैदा होता है और उसके माता पिता अशिक्षित हैं, यानी कि एक बच्चा का जन्म हो गया बेचारा, उसके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उसमें उस बच्चे का दोष नहीं है बिल्कुल। अब उसमें बच्चा का क्या दोष है, उसको थोड़े ना पता कि हम किस खानदान में जन्मेंगे, क्यों उसका दोष नहीं है, क्योंकि बच्चों का जन्म उसकी मर्जी से नहीं होता है बिल्कुल, ऐसा उसका बच्चा का कोई दोष नहीं है क्योंकि उसका मर्जी से उसका जन्म नहीं होता है। वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो वह बच्चा जो शिक्षित और संपन्न घर में जन्म लिया है, यानी वह बच्चा जो शिक्षित उसका परिवार है और एक अच्छे घर में उसका जन्म हुआ है, उसे अनेक सुख सुविधा जन्मजात से मिल जाती है, मतलब उसको जितना भी सुख सुविधा है, अच्छा कंडीशन जो है वो शुरू से ही, जन्म से ही उसको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम भेदभाव कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग भेदभाव का सामना कर रहे हैं। उस गरीब के बच्चे का दिमाग तेज होगा, यानी कि जो गरीब घर में जो पैदा लिया बच्चा है उसको भी दिमाग तेज होगा, पर कब, जब सही प्रशिक्षण और गाइडलाइंस मिलेगा तब, लेकिन उसके अभाव में उस औसत बच्चों से वो पिछड़ जाता है, यानी कि वो तेज होता जब उसको भी अच्छा नॉलेज दिया जाता, अच्छा पढ़ाई मिलती, अच्छा गाइडलाइंस मिलती, तब वह तेज होता, पर औसत बच्चे से वह बच्चा पिछड़ जाता है जो गरीब घर में जन्म लिया है और शिक्षित परिवार में हुआ था, यानी कि उससे पिछड़ जाता है जो संपन्न और शिक्षित परिवार में हुआ, उससे पिछड़ जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सभी अधिकारी नेता के बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, यानी हम लोग देखते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं, नेता लगभग उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जिस कारण सरकारी विद्यालय पर ध्यान नहीं रहता है।
अब चूंकि जितना भी नेता है अधिकारी है सब तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सरकारी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस सबका ध्यान नहीं जाता है। बस छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, पोशाक मिलना चाहिए, मध्याह्न भोजन होना चाहिए, इसी से यही योजना सही से चलना चाहिए। बाकी और पढ़ाई हो रहा कि नहीं इस पर कोई व्यवस्था नहीं है। आगे लिखा है, न कंप्यूटर शिक्षा, न पुस्तकालय, न प्रयोगशाला, न बुनियादी सुविधा देने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल सही, अब स्कूल सरकारी स्कूल में न कंप्यूटर शिक्षा है, रखा हुआ जरूर है लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं दिया है, वहाँ पुस्तकालय है नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, ये सब का कोई ध्यान नहीं है। मतलब रहते हुए भी कहीं कहीं ये चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती है। आगे जो है लिखा है, 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं को सामाजिक न्याय व समानता के सिपाही बताते हैं। यानी कि 2005 में मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं वो स्वयं को एक सामाजिक न्याय का व समानता को लेकर एक सिपाही बताते हैं, मैंने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बताते हैं। उसके द्वारा प्रोफेसर मुचकुंद दुबे, एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में समान स्कूली प्रणाली आयोग बनाया गया। यानी कि 2005 में मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं उनके अध्यक्षता में और साथ साथ जो एक प्रोफेसर हैं मुचकुंद दुबे उनके अध्यक्षता में ही एक समान स्कूल प्रणाली आयोग बनाया गया। इस आयोग ने 2007 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, यानी कि 2007 में ही रिपोर्ट सौंपा गया, 2005 में बनाया गया और रिपोर्ट कब सौंपा गया, 2 साल बाद यानी कि 2007 में, जिसे मुख्यमंत्री जी आज तक लागू नहीं करवा पाए हैं। यानी कि रिपोर्ट सौंपा गया है लेकिन मुख्यमंत्री की कमी से आज तक ये लागू नहीं हुआ है। एक आप बहुत ही बड़े अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति का नाम उभर कर आता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि राष्ट्रपति हो या निर्धन का संतान, यानी कि राष्ट्रपति का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए। ये एक वर्ड है, ये एक शब्द है जो बोला गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। आगे लिखते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएं। इलाहाबाद का एक कोर्ट है वो यह जारी किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वह अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाएं। यह स्वागत योग्य फैसला था, यानी कि बहुत अच्छा फैसला था, स्वागत करने वाला फैसला था, पर इसका काट सबको मालूम है, लेकिन बाद में ये मुकर गया, बाद में ये रुक गया। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, यानी कि सरकार पे ही डिपेंडेंट है, सरकार के ही अंडर में सब कुछ आते हैं, अगर वो चाहेगी तो ये लागू हो सकती है। जैसे कि बिहार में शराबबंदी एक दिन में लागू हो गई, तो क्या सामान शिक्षा लागू नहीं की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, यानी कि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। जैसे कि बिहार में जो शराबबंदी करना था तो एक दिन का भी टाइम नहीं लिया, तुरंत ही एकदम न्यूज बन गया बिहार में शराबबंद, तो क्या समान शिक्षा नीति उसी तरीके से लागू नहीं की जा सकती है? अगर सरकार इसमें असमर्थ है तो प्रत्येक सरकारी विद्यालय को उच्च स्तरीय बनाए। यानी कि अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो जितना भी सरकारी विद्यालय है उसको ना उच्च विद्यालय बना दिया जाए, हाई स्कूल बना दिया जाए, ताकि वहाँ पे भी और भी जो नेताओं के बच्चे हैं या फिर जो ऑफिशियली सरकारी जो एजुकेटर सरकारी जो संस्था के जुड़े व्यक्ति हैं उनके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ सकें, यूं लावारिस की तरह न छोड़े। यानी कि ये बोला जा रहा है कि आप चाहें तो इस सरकारी विद्यालय को उच्च स्तरीय बनाइए, यूं लावारिस की तरह इसको नहीं छोड़िए। अगर यह भी नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जिससे एक बच्चा केवल एक जगह ही नामांकित हो सके और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले को आरक्षण दिया जाए। अगर मान लीजिए सरकार ये भी नहीं कर पाती है तो फिर एक ऐसा प्रणाली विकसित करना चाहिए कि जो बच्चा का जहाँ एडमिशन हो गया, चाहे वो प्राइवेट में है तो वहीं रहेगा, फिर इधर उधर नाम कटवा उठवा के नहीं भागेगा, सरकारी में है तो सरकारी में रहेगा।
एक बच्चा को एक ही जगह पढ़ने के लिए अलाउ कर दीजिए, और जो बच्चा को सरकारी से पढ़ रहा है उसको और वेटेज दिया जाए, उसको और आरक्षण दे दिया जाए। समान स्कूली प्रणाली को लागू करने की स्थिति में सबसे ज़्यादा चरित्र हनन का किसी का हो रहा है, यानी कि अगर समान स्कूल प्रणाली को लागू करने की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो चरित्र हनन है वो किसी का हो रहा है तो वह सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं। उनका चरित्र हनन हो रहा है, उनका चरित्र कैरेक्टर एकदम गिर गया है। अब सरकारी टीचर है, क्या करता होगा, जाके स्कूल में जाके बैठे रहता होगा, तो इस तरीके से उनका कैरेक्टर जो है लूज हो गया है। हर शिक्षक अपना 100% देने को तैयार है, यानी कि टीचर जो है 100% देने को तैयार है, लेकिन सब जो दिक्कत है वो सरकार का है। पर करना सरकार को होगा कि अगर नहीं हो रहा तो दोषी यहाँ का वंचित समाज है, यानी कि यहाँ पे 100% तैयार है टीचर अपना पूरा देने के लिए, लेकिन जो दिक्कत है वो सरकार का है, वो लागू नहीं कर पा रहा। और अगर नहीं हो रहा तो यहाँ का दोषी कौन है, वंचित समाज है, जो कि बोल नहीं पाता है, सिर्फ वो अपने बच्चों को स्कूल में जाता है, खिचड़ी मिल जाता है, मतलब भोजन वगैरह मिल जाता है, बस इसी से उसके समाज के लोग खुश रहते हैं। समाज के लोगों को इस बात से खुशी होनी चाहिए थी कि हम लोगों के जो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं तो उनको किस तरह से शिक्षा दी जा रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उनका कॉपी चेक करना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं होता है। तो यहाँ का जो एक मूर्ख है वो आसपास के समाज लोगों की भी गलती है, उनको एक मुद्दा बनाना चाहिए, उनको आवाज़ उठानी चाहिए सरकार के प्रति। तो ये था कि क्वेश्चन कि अगर जो समान स्कूली प्रणाली है उसको लागू करने में कौन कौन से दिक्कतें आएंगी और इसके क्या क्या उपाय हैं। तो साथियों ये थे क्वेश्चन, और ये कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया के लास्ट क्वेश्चन थे, कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया और एजुकेशन के। तो साथियों फिर हम अब अगले कोर्स की, अगले सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन, उसको लाएंगे, उसको समझाएंगे, और फिर उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।